करने के लिए प्रशासनिक स्तर पर तो कई प्रयास किए जा रहे हैं, पर लॉकडाउन की वजह से तरह तरह की समस्याएं झेल रहे गरीब गुरबों की मदद करने को कई लोग स्वेच्छा से आगे आए हैं। ऐसे ही एक शख्स है कांग्रेसी नेता नवीन चौरसिया। इन्होंने गिरिडीह शहरी क्षेत्र के लोगों की कठिनाइयों को दूर करने का अपने स्तर पर एक अनूठा प्रयास किया है, और वो भी बिना किसी तामझाम के। प्रचार से दूर रहते हुए नवीन चौरसिया ने नगर निगम क्षेत्र के सभी वार्डों में वार्ड पार्षद के माध्यम से खाद्य सामग्री उपलब्ध कराई है। कहते हैं कि मदद करो तो कुछ इस तरह करो कि एक हाथ को मिली मदद को दूसरे हाथ को भी पता नहीं चले। नवीन चौरसिया भी कुछ ऐसा ही कर रहे हैं। जब हमारे संवाददाता को जब इस बात का पता चला तो काफी आग्रह करने के बाद वे कैमरा के सामने आने को राजी हुए। ऐसे और भी कई लोग चुपचाप इस महती कार्य में अपनी भागीदारी निभा रहे हैं। हमारा प्रयास रहेगा कि उन्हें आपके सामने लाएं ताकि औरों को भी प्रेरणा मिल सके। गिरिडीह से संतोष तिवारी की रिपोर्ट। नेशन 24 की ताज़ा खबर जानने के लिए सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें हमारे यूट्यूब चैनल और बने रहें हमारे न्यूज चैनल नेशन 24 के साथ। नमस्कार। महामारी के लॉकडाउन में मैंने एक छोटा सा प्रयास किया है कि हर वार्ड में जिन लोगों को अनाज की ज़रूरत है, जो बहुत ही बेहद ज़रूरतमंद लोग हैं, उन लोगों को अनाज पहुँचे। उसके लिए हमने 3600 वार्ड के वार्ड पार्षदों को 100-100 पैकेट अनाज, जिसमें 4 किलो आटा और 1 किलो आलू है, सब लोगों को घर घर मैंने पहुंचाया है, ताकि जिन लोगों का राशन कार्ड नहीं है और जो लोग घर में रह रहे हैं, घर से निकल नहीं रहे हैं और जो बेहद ही ज़्यादा समस्या को झेल रहे हैं, उन लोगों के लिए मैंने ये अनाज उपलब्ध करा दिया है। मेरी जनता से और हमारे जितने भी समाज सेवी हैं, उन लोगों से खास निवेदन है कि ज़रूरतमंदों का जो है फोटोग्राफ, उसको जो है व्हाट्सएप पे या फेसबुक पे ना डालें। ये मेरी खास दरख्वास्त रहेगी। विशेष यह है कि लोगों से मेरी अपील है कि वो लोग अपने घर से ना निकलें, लॉकडाउन को नियमित रूप से फॉलो करें, ताकि सरकारी तंत्र और सरकारी व्यवस्था कोरोना को जो है नियंत्रित करने में सक्षम हो। धन्यवाद।